Hello everyone, today's lecture is related to the subject of electronic devices and circuits. Jaise ki hum logon ne last lecture mein discuss kiya tha about RC phase shift and Weinbridge oscillator circuits, to uske andar hum log resistance aur capacitance ko use karte hain to generate the oscillations, right? तो जैसे हमने हार्टले और कॉल्पिट्स ऑसिलेटर्स के साथ डिस्कशन की, तो उसके अंदर हम एल और सी जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर हैं, ये कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ द ऑसिलेशंस. बट ये दोनों ही तरह के जो ऑसिलेटर्स हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस यूज कर रहे हों, चाहे वो इंडक्टर कैपेसिटेंस यूज कर रहे हों, पेयर यूज कर रहे हों, बट देयर इज वन कॉमन प्रॉब्लम इन बोथ सर्किट्स दैट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी. द स्टेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, जो फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशन हम जनरेट करते हैं, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो एक जगह पे जितनी जैसी ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो गई वो एज इट इज़ उसी फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशन कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस होती रहें, इस चीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमें हर तरह के सर्किट में जब हम एल सी या आर सी सर्किट्स यूज़ करते हैं. तो ये जो हमारा मेन सर्किट है, ये जो हमारा मेन ऑसिलेशंस जो हम जनरेट करते हैं, उनमें इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए हम लोग जो ऑसिलेटर सर्किट यूज़ करते हैं, दैट इज़ द क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट. तो अगर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट की बात करें, तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर सर्किट है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द मैकेनिकल रेजोनेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग क्रिस्टल ऑफ पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल. मतलब स्पेशल तरीके का एक मटेरियल होता है जिसे हम पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, और उस पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल में जब वाइब्रेशंस होती हैं, जब उसमें मैकेनिकल रेजोनेंस होती है, मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, उसमें हम प्रेशर इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसको स्ट्रेस दिया जाता है या उसमें वेरिएशंस की जाती हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो उस टाइम पे जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशंस ऑफ द पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है विद अ गिवन फ्रीक्वेंसी. तो ये फ्रीक्वेंसी वो जो है जनरली प्रोड्यूस होती है, और इसलिए जो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हैं उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो लोड कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर सके. मतलब एक जो क्रिस्टल है वो बेसिकली एक तरह का कैपेसिटर ही होता है जिसके अंदर एक पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाता है. जनरली जो हमारा कैपेसिटर होता है उसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं और उसके अंदर एयर गैप होता है. अब उस एयर गैप को अगर आप पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल आउट कर देते हो, तो वो एक तरीके का क्रिस्टल ऑसिलेटर बन जाता है. और जब उसमें कोई भी तरह की मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट जो है वो मिलते हैं, राइट. तो अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स की बात करें, तो हमारे पास लीनियर ऑसिलेटर्स भी होते हैं और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स भी होते हैं. लीनियर ऑसिलेटर्स जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हार्टले ऑसिलेटर्स, कॉल्पिट्स ऑसिलेटर्स, फेस शिफ्ट ऑसिलेटर्स. और अगर हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स की बात करें, तो उसमें होते हैं रिंग ऑसिलेटर्स, मल्टी वाइब्रेटर्स या वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर. बट जो यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है क्रिस्टल, पीजियोइलेक्ट्रिक क्या है. बेसिकली जो क्रिस्टल है उसे हम जनरली बोलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है पीजियोइलेक्ट्रिक अफेक्ट. उस पीजियोइलेक्ट्रिक अफेक्ट के अंडर जब एक मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया जाता है क्रिस्टल को, तो उस मैकेनिकल प्रेशर के प्रोपोर्शनेट वोल्टेज जो है वो जनरेट होती है, और दैट वोल्टेज बेसिकली डिस्टॉर्शन कॉज करती है क्रिस्टल के अंदर. उस वोल्टेज की वजह से डिस्टॉर्शन होती है क्रिस्टल के अंदर, राइट. तो अगर हम डिस्टॉर्टेड अमाउंट भी जो अगर उसको भी लेते हैं, तो वो डिस्टॉर्टेड अमाउंट जो है वो भी प्रोपोर्शनल होगा उस अप्लाइड वोल्टेज के. तो इसका मतलब कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो हमारा दोनों तरीके से काम करता है, कि अगर हम उससे मैकेनिकल प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमें
वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, और अगर हम उसे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमें मैकेनिकल आउटपुट मतलब मैकेनिकल वाइब्रेशंस की फॉर्म में हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम ऑल्टरनेट वोल्टेज उसको अप्लाई करेंगे क्रिस्टल को, तो वो वाइब्रेट करेगा इन एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जिस भी फ्रीक्वेंसी का वो क्रिस्टल है उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस जो हैं वो जनरेट होंगे। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर है, जिसके अंदर विच कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर्स इंडक्टर्स एज वेल एज कैपेसिटर्स। तो उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो उसके अंदर हमें रेजिस्टर भी मिलेगा, इंडक्टर भी मिलेगा और कैपेसिटर भी। दैट मींस तीनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बनाया गया है। सो यू कैन सी हियर द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इस तरह का क्रिस्टल है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये क्रिस्टल जो है इसमें टू प्लेट्स हैं, वो क्या है, मेटलाइज्ड इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे हमारे नॉर्मल कैपेसिटर के अंदर होते हैं। और उसके अंदर हमने क्या डाला, एक मटेरियल डाला, दैट मटेरियल इज कॉल्ड बेसिकली एज द क्रिस्टल। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो वो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कैसे बनेगा, दिस रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज अलोंग विद अ पैरेलल कैपेसिटर। तो ये जो पैरेलल कैपेसिटर है ये रिप्रेजेंट कर रही है सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ द क्रिस्टल, कि क्रिस्टल की इंटरनल कैपेसिटेंस कितनी है। और ये जो कॉम्बिनेशन है आर एल और सी का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनर्शिया, फ्रिक्शन एंड स्टिफनेस ऑफ द क्रिस्टल, कि वो बाहर से कितना हार्ड होगा, उसका इनर्शिया क्या होगा, किस तरह से वो वर्क करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सर्किट डायग्राम देखें क्रिस्टल ऑसिलेटर का, तो वो बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही है जैसे हम लोग नॉर्मल हमारा कोई भी एम्पलीफायर कोई भी ऑसिलेटर सर्किट यूज़ करते हैं। बट द डिफरेंस इज दैट इसके अंदर हमारे पास जो ये NPN ट्रांजिस्टर है उसके साथ R1 और R2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, ये दोनों रेजिस्टेंसेस बायसिंग का काम कर रही हैं। देन आफ्टर यहाँ पे RE और CE का कॉम्बिनेशन, एज वी ऑल नो कि वो नेगेटिव फीडबैक को अवॉइड करने के लिए हम ये पेयर जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं मेटर साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर पे। एंड देन आफ्टर जो RC है उसको हमने रिप्लेस कर दिया था RFC से, यानी कि चोक से, ताकि जो हमारी DC पावर वेस्टेज है वो रिड्यूस हो सके। और यहाँ पे हमने जो क्रिस्टल यूज़ किया है वो यूज़ किया है इन द फीडबैक पाथ। तो फीडबैक पाथ में कैपेसिटर के साथ यहाँ पे क्रिस्टल यहाँ पे यूज़ किया है। ये कैपेसिटर को हम फीडबैक पाथ में इस साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये जो सर्किट है वो वर्क करेगा और बिल्कुल सही वर्क करेगा। सो फीडबैक पाथ में अगर हम यहाँ अकेला क्रिस्टल लगाएं तो बेसिकली ये क्रिस्टल क्या कर रहा है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस जनरेट कर रहा है जब उसे DC सप्लाई मिल रही है। एज यू कैन सी सिंपल ऑसिलेटर सर्किट की तरह इस सर्किट के अंदर भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो AC सिग्नल है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, ओनली DC सिग्नल की हेल्प से हमारा जो सर्किट है वो वर्क करेगा। और उस अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंगली जो क्रिस्टल है उसके अंदर वाइब्रेशंस होंगी और वो वाइब्रेशंस इन टर्न विल कन्वर्ट इनटू द ऑसिलेशंस, राइट। तो अगर हम इस सर्किट की बात करें तो दिस इज द ऑसिलेटर सर्किट विद क्रिस्टल ऑपरेटिंग इन सीरीज रेजोनेंस। और अगर हम इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए हैं कि यहाँ पे जो बेस है उसमें कैपेसिटर जो है वो अप्लाई किया गया है, और एट द एंड जो आपका एमिटर और कलेक्टर साइड है ट्रांजिस्टर की, उसके अंदर भी दो कैपेसिटर्स और उनके साथ पैरेलल में जो क्रिस्टल सर्किट है वो लगाया गया है। तो दिस इज द पैरेलल रेजोनेंस में क्रिस्टल को ऑपरेट करवाया गया है या सीरीज रेजोनेंस में करवाया गया है इसको ऑपरेट। तो अगर हम सर्किट की बात करें यहाँ पे तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स या FETs जो हैं वो क्रिस्टल ऑसिलेटर की कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सर्किट को बनाने के लिए ओप एम्प भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर सर्किट बनाना चाहते हो। तो इट इज़ बिलो 100 kHz बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर डू नॉट हैव द बैंडविड्थ टू ऑपरेट। तो अगर बिलो अगर 100 kHz होगा तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है ऑपरेट करने के लिए। तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम एट द हायर फ्रीक्वेंसीज दैट आर मैच्ड टू द क्रिस्टल विच आर अबव 1 MHz। तो अगर 1 MHz से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज के साथ हम लोग इसके साथ वर्क करना चाहते हैं ओप एम्प के साथ, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा ट्रांजिस्टर जो है इट विल वर्क बेस्ट विद द क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो अगर आप थेरेटिकल
सॉरी प्रैक्टिकल क्रिस्टल ऑसिलेटर अगर आप देखने की बात करो कि दिखता कैसा है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, वो इस तरह का नजर आता है जो आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर अगर आपने देखना हो. देन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ कॉल्पिट्स क्रिस्टल ऑसिलेटर इज डिजाइन. तो जैसे हम लोगों ने हार्टले और कॉल्पिट्स ऑसिलेटर्स देखे, उसमें कुछ एडवांटेजेस थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थी. तो अगर हमें उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करना है, तो हमारा जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है. इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क एट हायर फ्रीक्वेंसीज, मेगा हर्ट्स में ये वर्क कर सकता है. जो LC टैंक सर्किट है फीडबैक ऑसिलेटर्स के अंदर, उसको हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल से रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 16.000, इट इज बेसिकली 16 MHz. तो जनरली जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है, वो 11, 12, 16 MHz की रेंज में वर्क करता है. तो ये बेसिकली इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक अफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. दैट मींस कि जब हम इसे इलेक्ट्रिकल फीड अप्लाई करेंगे, तो मैकेनिकल डीफॉर्मेशन होगी अक्रॉस सम मटेरियल्स, जिनकी वजह से जो क्रिस्टल है वो वाइब्रेट करेगा. मैकेनिकल वाइब्रेशंस होंगी, मैकेनिकल रेजोनेंस होगी, एंड इट इज मेड विद पीजोइलेक्ट्रिक मटीरियल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी. तो इस तरह से उनके अंदर जो पीजोइलेक्ट्रिक मटीरियल है वो यूज किया जाता है, दैट इनका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट कर सके. और जिस मटेरियल का, जिस जो भी मटेरियल यूज किया जाता है पीजोइलेक्ट्रिक में, वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है उसको जनरेट करता है. तो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हैं, वो जनरली हाईली स्टेबल होते हैं. तो इनको बेसिकली यूज ही इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. इसके अलावा दे कंसिस्ट ऑफ गुड क्वालिटी फैक्टर, स्मॉलर इन साइज हैं, इकोनॉमिकल हैं, ज़्यादा सुपीरियर हैं टू द अदर रेजोनेटर्स लाइक LC सर्किट्स और टर्निंग फोर्स. उससे ज़्यादा ये सुपीरियर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं. तो जनरली अगर हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, तो हम उसमें 8 to 11 MHz का क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो यूटिलाइज करते हैं. और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द क्रिस्टल एक्शन ऑफ द क्रिस्टल, राइट. तो अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें, तो क्रिस्टल के अंदर इंडक्टेंस है, वो क्रिस्टल मास को रिप्रेजेंट करती है. जो कैपेसिटेंस है, वो कंपायलेंस को रिप्रेजेंट करता है. जो C1 है, वो इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द कैपेसिटेंस दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ क्रिस्टल्स मैकेनिकल मोल्डिंग, कितना क्रिस्टल मैकेनिकली मोल्ड हो सकता है. जो रेजिस्टेंस है, वो रिप्रेजेंट करती है उसकी इंटरनल फ्रिक्शन कितनी है. तो इस तरह से ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है, वो क्रिस्टल को एक गुड क्रिस्टल जो है वो बनाता है. तो इसके अंदर दो तरह की रेजोनेंसेज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस. तो दोनों तरीके से जो इसकी आउटपुट होगी, इट विल बी इक्वल टू सीरीज रेजोनेंस में जो FR है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसकी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2π अंडर द रूट LCS. मतलब जो सीरीज कैपेसिटेंस है उसको इंडक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके, तो दैट विल बिकम द सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. अगर पैरेलल रेजोनेंस की बात करें, तो उसमें वो CP लेता है बेसिकली. CP इज बेसिकली अंडर द रूट ऑफ 1+CS/CP. तो इस तरह से हम पैरेलल रेजोनेंस और सीरीज रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स दैट आर यूटिलाइज्ड एज एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द क्रिस्टल, राइट. तो अगर हम सीरीज रेजोनेंस की बात करें, तो वो कब होती है? सीरीज रेजोनेंट अकर्स व्हेन रिएक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द कैपेसिटेंस इज equal, C1 is equal and opposite to the reactance produced by the inductance L. तो कब हम बोलते हैं कि सीरीज रेजोनेंस हुई है? सीरीज रेजोनेंस मीन्स जो XL और XC हैं वो दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, वो तब होती है जब जो रिएक्टेंस C1 ने प्रोड्यूस करी है वो इक्वल हो और ऑपोजिट हो टू द रिएक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टेंस L. तो अगर आप यहाँ पे देखें इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या ये शो कर रहा है? इट इज़ द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द इम्पिडेंस. तो इसकी जो इम्पिडेंस है वो रिड्यूस हो रही है FR पे, मीन्स सीरीज रेजोनेंस पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो रही है, सॉरी इम्पिडेंस जो है वो रिड्यूस हो रही है एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. एंड देन आफ्टर जो पैरेलल रेजोनेंस है उसमें इनकी इम्पिडेंस जो है वो मैक्सिमम है. तो जनरली हम लोग जो क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट है वो सीरीज रेजोनेंस में यूज करते हैं, क्योंकि उसमें अटेन्युएशन मिनिमम हमें मिलती है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पे.
तो एफ आर और एफ पी जो है वो सीरियल रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इनकी अगर हमने वैल्यूज डिटरमिन करनी हो तो वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं एफ आर और एफ पी की वैल्यूज क्या क्या है, किस तरह से हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यूजेस क्या है, कहाँ पे यूज होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर? ये बेसिकली हम यूज करते हैं क्लॉक सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर्स में, माइक्रो कंट्रोलर्स में, बहुत सारे ऐसे हमारे डिवाइसेज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनको यूज करते हैं, उसके अंदर हमें क्लॉक सिग्नल, क्लॉक सिग्नल मीन्स एक कंटिन्यूस पल्स हमें जनरेट करनी है जिसके हिसाब से हमारा सारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा, राइट? तो अगर हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो उसमें हम एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट लगाते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 12 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करता है, और ये पर्टिकुलर जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है इट इज हैविंग साइकिल रेट एट 1 मेगाहर्ट्ज टू 3.33 मेगाहर्ट्ज एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट द क्लॉक पल्सेस। सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो क्रिस्टल ऑसिलेटर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लाइक कॉल्पिट्स क्रिस्टल ऑसिलेटर है, आर्मस्ट्रॉन्ग क्रिस्टल ऑसिलेटर है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज होता है, दैट वी ऑल नो। तो ये इसकी बेसिक एडवांटेज है इसकी स्टेबिलिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेशन ऑफ ऑसिलेशंस, कितने पावरफुल तरीके से ये ऑसिलेशंस को जनरेट करता है। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर। अगर आप मेन सर्किट की बात करें ईडीसी के अंदर, तो ये सर्किट जो है वो हम लोग यूज करते हैं इसी की कंस्ट्रक्शन, इसी की वर्किंग, इसी का ऑपरेशन। दिस वी विल एक्सप्लेन एंड दैट विल बिकम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट इन केस ऑफ योर सब्जेक्ट दैट इज EDC। तो इसमें हमें सिर्फ ये चीज़ मेन मेंशन करनी है कि कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस, कौन कौन से पेयर ऑफ जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हमने सर्किट के अंदर यूज़ किए हैं, उनका बेनिफिट क्या है एंड हाउ दे आर वर्किंग, और किस तरह से आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो वर्क कर रहा है और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस को जनरेट कर रहा है। अब क्रिस्टल का बेसिक मीनिंग पता चल गया आप लोगों को, वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है, किस तरह से वो वर्क करता है, how it happens, we all know about that and this is the circuit that we have to explain so that we could explain the crystal oscillator circuit. So this was all about today. I wish this was clear to you. If there will be any doubts, I will be taking them in the live session. So till then, take care. Bye bye.